तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज वीडियो में गाइस काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आ चुका हूँ, तो प्लीज गाइस वीडियो का एंड तक जो देखना, और अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दें, ऐसी गाइस अपडेट रहने के लिए हमेशा के लिए बेल आइकन ऑल पे गाइस सेलेक्ट कर लें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं गाइस फर्स्ट स्टोरी की। तो फर्स्ट स्टोरी गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट स्टोरी है गाइस यहाँ पे न्यूज बॉय से रिलेटेड। तो न्यूज बॉय ने गाइस यहाँ पे गाइस जो बियर्ड है अपना शेव कर लिया, यहाँ पे इनकी पिक देख सकते हैं। इन्होंने गाइस ये पिक अपने इंस्टाग्राम पे डाली, यहाँ पे ट्विटर पे डाली, साथ ही कॉमेंट पोस्ट में बैठा ली। तो यहाँ पे कैसे हे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अंकल इज हेयर। तो गाइस काफी ज्यादा फनी ट्रोल किया जा रहा है यूट्यूबर के द्वारा। तो गाइस आप भी जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट वमेंट कर सकते हैं, गाइस आप जाके इनके इंस्टाग्राम ट्विटर तीनों चीजों पे देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरीज की। तो नेक्स्ट स्टोरी गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी बड़ी अचीवमेंट है, वो है गाइस यहाँ पे गाइस अमित भड़ाना से रिलेटेड। तो अमित भड़ाना ने गाइस काफी बड़ा कोलैब कर लिया है, वो कोलैब कर लिया यहाँ पे बॉलीवुड स्टार के गाइस एक्ट्रेस है यहाँ पे कैटरीना कैफ के साथ, इन्होंने गाइस कोलैब किया है। तो उनकी गाइस न्यू वीडियो आ रही है, तो उन्होंने गाइस इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। तो चले गए, पहले पोस्ट आपको दिखा देते हैं। आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख सकते हैं जो यहाँ पे गैस पोस्ट किया गया अमित भड़ाने ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज ये हुआ, उफ शानदार दिन, बेहतरीन काम, उतना ही अच्छा है ये इंसान, थैंक यू कैटरीना कैफ, अति सुंदर शूट वीडियो, सुपर सून। और यहाँ पे हैशटैग कैटरीना कैफ, हैशटैग अमित भड़ाना, हैशटैग न्यू वीडियो। तो गैस हमें लग सकता है इससे कि गैस इनका गैस न्यू वीडियो गैस जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, वो गैस कोलैब किया गया कैटरीना कैफ के साथ। तो गैस हमें जल्दी गैस अमित भड़ाना के चैनल पर गैस वीडियो देखने को मिल सकती है गैस, जो कैटरीना कैफ जिस वीडियो मंगी, शायद यहाँ पे गैस कैटरीना कैफ की एक न्यू मूवी आने वाली है गैस फोन बूथ, उसका गैस प्रमोशन वीडियो भी हो सकता है। तो गैस आपका ओपिनियन क्या है गैस में गाइस जरूर से शेयर करना। बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की। तो नेक्स्ट स्टोरी है गाइस यहां पे ट्रिगर्ड इंसान से रिलेटेड। तो ट्रिगर्ड इंसान गाइस थे गाइस राम सेतु मूवी देखने, और यहां पे गाइस राम सेतु का जो गाइस रिव्यू है वो गाइस काफी ज्यादा खराब आ रहा है, काफी लोग कह रहे हैं कि मूवी है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यहां पे ट्वीट करते हो गाइस ट्रिगर्ड इंसान ने कुछ ऐसा बोला। तो चलिए गाइस पहले आपको ट्वीट दिखा देता हूं। तो यहां पे गाइस ट्रिगर्ड इंसान का गाइस यहां पे जो ट्वीट है वो देख सकते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड द हेट फॉर द मूवी राम सेतु, वॉच इट विद मम्मा यस्टरडे एंड इट एन एंजॉयबल मूवी विद अ सच क्यूट एंडिंग, डेफिनेटली नॉट दी ग्रेटेस्ट फिल्म बट स्टिल गुड, आई गेस इट्स ट्रेंड, जहां बिन बात के हर मूवी को बेकार बोलने में जेंस लगता है, समझे। फिर कोर यहाँ पे ट्वीट का रिप्लाई कर रहे हो गए, फर्स्ट हाफ कुड बी एन बेटर, सेकेंड हाफ वॉज ग्रेट बट द एंडिंग वॉज, और इमोजी दिए हार्ट का और यहाँ पे आंख में आंसू वाला। तो गैस काफी अच्छी एंडिंग हो सकती है मूवी की। टिकट इंसान ने ट्वीट में ये बोला कि मतलब आजकल एक ट्रेंड हो चुका है कि जहाँ हर मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है, हर मूवी को बेकार बोला जा रहा है। लेकिन अगर गैस आपने राम सेतु देखी तो गैस अपना ओपिनियन है कमेंट में जरूर से रिव्यू शेयर करना कि आपको गाइस कैसी मूवी लगी, तभी मैं भी देखने जा सकता हूं। साथ ही यहां पे देखते हैं टिकट इंसान ने बोला कि एंडिंग थी वो गाइस उसकी काफी ज्यादा बेस्ट थी। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी की। तो नेक्स्ट स्टोरी है गाइस यहां पे गाइस सौरभ जोशी ब्लॉग से रिलेटेड। तो ये है गाइस आज के वीडियो में, आज के ब्लॉग्स में अपने गांव गए थे, तो वहां पे गाइस उन्होंने कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में अपने बताया जो गाइस काफी जल्दी यहां पे आने वाला है, इनकी तरफ से इनको देखने को मिल सकता है, आप सारे ऑडियंस को इनकी तरफ से एक ड्रीम प्रोजेक्ट, तो उसके रिलेटेड ये बात की है। तो चले गाइस ब्लॉग का छोटा सा क्लिप आपको प्ले करके दिखाया था। और बात करनी थी मेरी लाइफ से रिलेटेड, मैंने अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ में आने वाला हूँ, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत लोगों से मिल रहा था और बहुत टाइम बहुत कुछ लगा उसमें। तो हाँ, वो फाइनली पॉसिबल होने वाला है, और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। मतलब मैं किस जगह से आता हूँ, यहाँ पे देखो मतलब कोई लेंटर वाले मकान भी नहीं थे हमारे पास, और आज सब कुछ है सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो गाइस दिल से आपको थैंक यू सो मच, मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट जल्दी ही आने वाला है, तो स्टे ट्यून। हो सकता है गाइस यहाँ पे सौरभ जोशी व्लॉग्स अपने जर्नी के बारे में किसी वीडियो में या किसी सॉन्ग्स में या किसी यहाँ पे शॉर्ट फिल्म से बना के दिखा सकते हैं कि उनका जो जर्नी है स्टार्टिंग से गाइस यहाँ पे अभी तक जहाँ तक पहुँचे हैं उनका गाइस जर्नी है वो गाइस कैसा रहा, शायद ये शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो गाइस मुझे तो अभी कुछ गैस नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है। साथ ही गाइस यहाँ पे गाइस फुकरा इंसान अपने सेकंड चैनल पे गाइस यहाँ पे मीम रिएक्शन कर रहे थे, जहाँ पे गाइस वो ब्लॉगर के ऊपर कुछ बोलते हैं, तो उनका वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको प्ले करके दिखा। वेलकम बैक टू माई चैनल। यार ये तो मेरा फेवरेट है। एक्चुअली पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, बचपन में हम कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, सीए बनेंगे, एंड फिर भाई बच्चा बड़ा होता है 21 साल का और फिर कहता है यो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। और आजकल तो भाई 21 छोड़ो 12 साल के बच्चे शुरू हो चुके हैं, हाय गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई तुम ये कर लो पहले, भाई भाई गॉड डेली व्लॉगर्स को देख के आजकल लोगों को लगता है भाई कोई भी यूट्यूबर बन सकता है, करना ही क्या है भाई 10-12 मिनट का अपने घर की फैमिली रिकॉर्ड कर ली, ले भाई डाल दी, ले भाई व्यूज दे व्यूज, आओ बल्ले छावा छावा हो गया तभी यूट्यूबर बनेंगे भाई।
अब मैं समझता हूँ भाई, हम अपनी वीडियोस में VFX लगाते हैं, SFX लगाते हैं, 15-15 दिन 3-3 एडिटर्स को एडिट करते हैं, ड्रोन शॉट्स लेते हैं, कोई काम का नहीं भाई। डेली व्लॉगिंग करो, 12 मिनट घर का दिखा दो भाई, रोटी भिंडी खाओ, हो गया। मेहनत की कदर खत्म हो गई गाइस। नेक्स्ट स्टोरी की, तो नेक्स्ट स्टोरी है क्रेजी दीप से रिलेटेड। तो यहाँ पे गाइस काफी तगड़ा इनका कंट्रोवर्सी चल रहा था कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम क्या एक वीक पहले, यहाँ पे जो दुष्यंत कुकरेजा शॉर्ट्स क्रिएटर के साथ चल रहा था, तो इनका जो वीडियो वो गाइस आने वाला था, लेकिन यहाँ पे गाइस इनको स्ट्राइक की धमकी मिल रही है जो दुष्यंत कुकरेजा दे रहे हैं। तो उन्होंने गाइस ऐसा कुछ कम्युनिटी पोस्ट किया, साथ ही ट्विटर पे भी डाला, तो चले गाइस पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे गाइस क्रेजी दीप का कम्युनिटी पोस्ट है, जहाँ पे बताया गया नेक्स्ट वीडियो, मैं 12 दिन से वीडियो पे लगा हूँ और ये फूदू मेरे को अब कॉपीराइट की धमकी भी दे रहे हैं, बट अपलोड तो होगी अब। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अपलोड किया, उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी उन्होंने डाला, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे वॉन्टेड करके यहाँ पे देख सकते हैं दुष्यंत कुकरेजा की फोटो यहाँ पे शेयर की, साथ में यहाँ पे गाइस उन्होंने चैट वैट को अपनी डाली थी इंस्टा की, तो वो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड टू स्टोरी करके मेंशन किया था, फिर यहाँ पे ए भाई एक रिक्वेस्ट है, अपनी इस वीडियो में ना कोई प्रमोशन मत करियो क्योंकि मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, ये क्वीन ऐसे कुछ लिखा वर्ड होगा कोई, फिर यहाँ पे लिखा वीडियो के पहले ही कॉपीराइट की धमकी, फिर यहाँ पे गाइस स्टैंडर्ड यही है क्या, फिर यहाँ पे गाइस काफ़ी सारी और चीज़ें बातें, मैंने पहले खुद की स्टोरी मेंशन करो फिर बाद में फट जाए तो यहाँ पे स्ट्राइक देने की बैठ जाओ। तो यहाँ पे गाइस अब यहाँ पे नीचे और भी लिखा, खुद आया तो अब क्लाउट लेने और अब ये असलियों का। तो यहाँ पे हो सकता है गाइस काफ़ी तगड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है। नेक्स्ट स्टोरी की तो बात है गाइस कृष्णा से रिलेटेड। तो कृष्णा का जो गाइस आई गेस सॉन्ग था वो गाइस यहाँ पे यूट्यूब इंडिया ने अपनी स्टोरी पे शेयर किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, साथ ही इसका यहाँ पे मेंशन बैक करते हुए कृष्णा ने भी अपनी स्टोरी में इसको ऐड किया। तो गाइस आज के वीडियो में इतना गाइस न्यूज़ था, गाइस वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में गाइस अपने सारे न्यूज़ का गाइस ओपिनियन थोड़ा थोड़ा शेयर कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक तो गाइस कर देना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों को कि वो भी गाइस अपडेट रहे गाइस पूरा यूट्यूब कम्युनिटी से, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लो कि गाइस आप भी यहाँ पे गाइस जो पूरी कम्युनिटी गाइस यहाँ पे अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।